बाढ़ व सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिला अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। जिलाधिकारी ने स्कूल के समय में किया परिवर्तन, अब विद्यालय की छुट्टी होगी 10:45 में। बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एवं उनके कार्य पर विस्तार पूर्वक रणनीति बनाने हेतु कार्य करते हुए समय अवधि को ध्यान में रखकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कई पदाधिकारी के बीच वर्चुअल बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसी बाबत आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में भी जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक के अलावे कई पदाधिकारियों के बीच इस पर चर्चा हुई। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार गर्मी को देखते हुए जहां भी पानी की सुविधा पूर्ण रूपे नहीं है उसे दुरुस्त की जाएगी। भागलपुर शहर में 51 पानी के टैंकर हैं, जिसमें 6 ही उपयोग में हैं। उन सबको दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए हर चौक चौराहे एवं हाट बाजार में भी मुसाफिरों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। जहां चापाकाल में पानी नहीं आ रहा है उसे भी जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वहीं स्कूली बच्चे को तपती गर्मी से राहत देते हुए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए स्कूल के समय में परिवर्तन करते हुए कहा कि पहले विद्यालय 11:45 तक चलता था, अब 10:45 तक ही चलेगा, जिससे बच्चे आराम से घर पहुंच सके, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो या फिर निजी विद्यालय। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। स्तर पर समीक्षा हुई है जो बाढ़ पूर्व और सुखाड़ से संबंधित, अगर सुखाड़ की स्थिति होती है तो जो तैयारी है सभी विभागों की, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है। तो अभी बाढ़ जैसी तो स्थिति नहीं है, जो हम लोगों को बाढ़ पूर्व तैयारी करनी होती है, टेंडर वगैरह ये सब सारा फाइनलाइज हो गया है, नाव से भी इकरारनामा ये सब हम लोग कराएंगे। और जो कुल 12 कटाव निरोधी कार्य हैं नौगछिया प्रमंडल में और भागलपुर प्रमंडल में, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल में, तो वो भी कार्य तेज़ गति से चल रहा है, मई में सारा कम्प्लीट हो जाएगा। मेन जो अभी हम लोगों की समस्या है वो है जो लू की स्थिति बन रही है, हीट वेव की, तो इसमें हम लोगों की चापाकल मरम्मती की 55 टीम्स जो है वो लगी हुई हैं। और जल स्तर जैसे ही नीचे जा रहा है, चापाकल अगर अक्रियाशील हो जा रहा है तो टीम्स वहाँ पर मूव करके पीएचडी की टीम जो है वो उसकी मरम्मती कर रही है। इसके अलावा 250 से ज़्यादा अस्थाई और अस्थाई प्याऊ जो है वो संचालित हैं। पीएचडी का जो वाटर एटीएम है वो भी कल से हम लोग शहर में 2 जगह पर लगा रहे हैं। हम लोगों के पास 51 टैंकर है, अभी 6 ही उपयोग में आ रहा है। अगर वैसी परिस्थिति आती है तो हम लोग वाटर टैंकर से भी पानी का सप्लाई करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्व में ही सारे नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारियों को और नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि अस्थाई प्याऊ की व्यवस्था भी भीड़भाड़ वाले स्थानों में करें। और कल से हम लोग जो हाट बाज़ार है वहाँ पंचायतों के माध्यम से भी हम लोग पानी की व्यवस्था जो है वो करेंगे। और जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं, चाहे वो पीएचसी हो सीएससी हो, वहाँ वातानुकूलित रूम तैयार किया गया है, अगर कोई हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसका अविलंब इलाज हो सके। एम्बुलेंस में एसी की व्यवस्था है, अगर रेफ़र करने की स्थिति आती है तो उनको समुचित इलाज हो सके, सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। तो पूरी परिस्थिति पर हम लोगों की नज़र है और कहीं भी अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी, स्कूल का समय आज हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, पहले 11:45 तक था, इसको 1 घंटा और हम लोग कम करेंगे। ये हम लोग 10:45 में ही कल से जो है स्कूल को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, 10:45 में ही इसको हम लोग बंद करने जा रहे हैं। तो इससे संबंधित आदेश भी आज निर्गत हो जाएगा ताकि बच्चों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं।